बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। विधानसभा में हुए प्रकरण को लेकर गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा की तरफ से 5 सदस्यों का निलंबन व उसके बाद FIR करने को लेकर विपक्ष मुखर है। सरकार विपक्ष को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है, जबकि विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों दल मामले पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं व विधानसभा प्रकरण का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मामले में प्रदेश की सियासत उफान पर है। अब सबकी निगाहें कल के तूफान पर टिकी है। विपक्ष की तरफ से आज 2.5 साल बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस ऑफिस में विधायकों की बात रखने पहुंचे। सुक्खू ने बताया कि विधानसभा प्रकरण सरकार की नाकामी का नतीजा है। यदि सरकार बातचीत के जरिए हल निकाल लेती है तो ये नौबत नहीं आती। 20 फरवरी को जो घटना राज्यपाल अभिभाषण के बाद हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने वहाँ धक्का मुक्की की, जहाँ उन्होंने उत्तेजित किया और जिस धक्का मुक्की के बाद उन्होंने गुंडागर्दी का परिचय दिया, उनके खिलाफ विधानसभा में अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी क्लिपिंग उनके पास पड़ी है, हर एक फेसबुक वीडियो पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन नेताओं के खिलाफ विधानसभा के अध्यक्ष कार्रवाई करें। तो कल के लिए क्या रणनीति है? कल की रणनीति, हाँ, कल हमारी 1 बजे विधायक दल की बैठक है। निश्चित तौर पर जो अन्याय हमारे 5 चुने हुए सदस्य है, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी, सतपाल रायजादा जी, विनय जी, हर्षवर्धन चौहान जी, सुंदर ठाकुर जी, उनको पिक एंड चूज के तहत जिस तरह निष्कासित किया, धरना तो हम सारे लोग दे रहे थे कांग्रेस पार्टी के, किसी ने धक्का नहीं दिया, किसी ने राज्यपाल को धक्का नहीं दिया, किसी ने राज्यपाल से सिर्फ बात करने की कोशिश की, वो भी गाड़ी के पास जाकर। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। देखिए, जहाँ तक गतिरोध खत्म करना सरकार का कार्य है, इस सरकार क्या करती है, क्या सरकार किस प्रकार का आने वाले समय में एक्शन लेती है, ये दायित्व उनका बनता है, विधानसभा अध्यक्ष का बनता है। विधानसभा अध्यक्ष किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो कांग्रेस पार्टी का भी है, CPM पार्टी का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी है। लेकिन एक तरफ कार्रवाई करके जो वो दर्शाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो।